गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम परफेक्टली मेरी आवाज़ आ रही है आपको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रजिया, सो गाइज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के स्कीम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित, और अगर आप लोग अन अकेडमी पर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आपको डिस्काउंट चाहिए, अरविंदा कूपन कोड यूज़ कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सर, कोई ऑफ़र चल रहा है क्या? हमको लेना तो है। यस, ऑफ़र चल रहा है। 15th of September तक अगर आप लोग अभी लेते हो तो कॉम्बो प्राइसेस में आप लोगों को 49,679 में पड़ जाएगा। बाकी कॉम्बो प्राइसेस में अगर आप 2 साल का लेते हो तो 71,000 में हो जाएगा। एंड देखिए, ये प्राइसेस जो है वो जल्दी ही बढ़ सकते हैं। कितने परसेंट से हम बढ़ा रहे हैं वो हम लोग जल्दी ही रिवील करेंगे। तो लास्ट मंथ है और इसके बाद में इस प्राइस पर आपको नहीं मिलेगा। 1 साल, उसके बाद में 2 साल, सारी बैचेस जो है वो हम लोगों ने लॉन्च की हुई है। तो देरी मत कीजिए गाइस, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं उतना एडमिशन आप लोग जल्दी से ले लीजिए। बाकी कुछ ऑप्शनल जो है वो जल्दी ही आपके लॉन्च होने वाले हैं आगे, तो उनको अगेन भूलिएगा नहीं। चलिए फिर, आपकी ड्रीम चीज़ करने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो अनअकैडमी आपको हेल्प करेगा लोन के लिए। बाकी आपको बुक्स जो है वो मिलेंगी, और एवरी संडे हम लोग UPSC कॉम्बैट का सेशन रखते हैं, जहाँ पर आप 56 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करते हो। वो भी आप अरविंदा कूपन कोड यूज़ करके कर सकते हो, जिसमें आपको अरविंदा कूपन यूज़ करके आप लोग कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को मेजरली ऐसे रैंक 1-3 में आने पर आप लोगों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन, रैंक 4-10 में 75% स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह आप लोग ले सकते हो। तो देरी मत कीजिए, लेट्स क्रैक इट। और अब हम लोग बढ़ते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ में। तो एज ऑलवेज, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर में डिपार्टमेंट कितने हैं। तो बता देना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट अब सिर्फ 2 ही रहे हैं। सर, 2 ही रहे हैं का क्या मतलब है? 2 ही रहे हैं का मतलब है कि इसके अंदर में पहले डिपार्टमेंट जो है, ये 2 तो थे ही, 2 और डिपार्टमेंट हुआ करते थे। एक डिपार्टमेंट जो है वो फिशरीज़ का हुआ करता था, और एक और डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं ना, एनिमल हस्बेंड्री का हुआ करता था। सर, फिर उन डिपार्टमेंट्स का क्या हुआ? सर, कुछ नहीं, 2019 में जब ये गवर्नमेंट वापस से नई जब बनी, तो उस समय में उनका अलग ही मिनिस्ट्री बना दिया गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज करके उस मिनिस्ट्री का नाम दिया गया है। सबको ये वाली बात क्लियर हो गई है एवरीवन? और अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर में एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, और दूसरा जो है जो डिपार्टमेंट अपने पास में है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो हम लोग कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में डेयर डिपार्टमेंट बोलते हैं। डेयर मतलब क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एजुकेशन। आई होप सबको डिपार्टमेंट्स क्लियर हो गए हैं। तो आपको मेरा मेथड अब एकदम अच्छे से पता चल ही गया होगा कि कोई भी स्कीम जब आप पढ़ना चाहते हो, उसको अच्छे से समझना चाहते हो, तो स्कीम क्यों बनाई गई है? स्कीम इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो एक कोई तो प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग जो है वो स्कीम ज़रूर और ज़रूर बनाएंगे। क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स अगर हम लोग देखें तो अपने को क्या प्रॉब्लम्स मिलेंगे? तो मेजरली प्रॉब्लम्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्रोडक्शन साइड की प्रॉब्लम, दूसरी होती है पोस्ट प्रोडक्शन साइड की प्रॉब्लम्स। प्रोडक्शन साइड की प्रॉब्लम में सोइंग एंड हार्वेस्टिंग और तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सीड सही समय पे मिलना, अच्छे क्वालिटी के मिलना, फर्टिलाइज़र मिलना, इरीगेशन मिलना, पेस्टिसाइड मिलना, लैंड लीजिंग रिकॉर्ड और मैकेनाइजेशन मिलना, ये सब है, ये सब प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम लोग जो है वो क्वालिटी सीड देने के लिए सीड बैंक वगैरह हम लोग लॉन्च करेंगे। फर्टिलाइज़र के लिए हम लोगों ने नेशनल जो NPS नाम की जो न्यूट्रिएंट बेस्ड NBS
न्यूट्रिएंट वेस्ट सब्सिडी वगैरह जो है, ऐसे कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। पेस्टिसाइड्स हम लोग देते हैं, लैंड लीजिंग एंड रिकॉर्ड के लिए अगर हम लोगों ने मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च किए हुए हैं, मैकेनाइजेशन के लिए हम लोग मल्टीपल चीज़ें लॉन्च करते हैं कि भाई आप लोग एक दूसरे से रेंट पे ले लो, रेंट पे दे दो। और हार्वेस्ट ये आपका एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद में क्या होता है सर, उसके बाद में ये आगे हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन वाले पार्ट में उतर जाते हैं, जहाँ पर इश्यूज़ आपके कौन से होते हैं, प्रोक्योरमेंट के इश्यूज़, मतलब MSP के इशू आ गया, ठीक है, जिसके लिए अभी आप सबको पता भी होगा कि 3 फार्म लॉज जो नए लाए हुए हैं, तो आई एम सॉरी इस लेक्चर के मैंडेट में वो नहीं आता, अदरवाइज़ मैंने आपके वो 3 फार्म लॉज जो वो क्लियर भी करवा दिए होते हैं। तो एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं आता है वो, या फिर कभी अगर हमारे पास में समय होगा तो हम एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, जिसमें आप लोग ये फार्म के 3 लॉज जो है वो मेरे साथ में सीखोगे। तो आगे जो है वो हम लोग देखते हैं कि मंडी के प्रॉब्लम है, तो MSP का समझ गए, प्रोक्योरमेंट का इशू है, आगे मंडी का प्रॉब्लम है। फिर उसके लिए हम लोगों ने ये ई नाम वगैरह लाया हुआ है कि भाई ये तो गवर्नमेंट उठा रहा है मार्केट से, और ये जो है मार्केट में अगर आपको सेल करना है तो APMC में क्या रिफॉर्म लाए, ई नाम लाया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, APLM एक्ट है, ये है। देन समझो मुझे मंडी में भी नहीं बेचना है, या मुझे प्रोक्योर भी नहीं करवाना है, मुझे पता है कि माल जो है वो कल को महंगा होगा, खास करके गर्मियों में महंगा होगा, तो मुझे क्या चाहिए, एग्रो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए, मतलब कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो उसमें अपने को चाहिए मैकेनिज्म। देन फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि किसानों को वैल्यू कब मिलने वाली है अपने प्रोडक्ट की, किसानों को वैल्यू अपने प्रोडक्ट की तब मिलेगी जब आप फूड प्रोसेसिंग करते हो, तो इसलिए हम लोगों ने संपदा जैसी स्कीम है या ऑपरेशन ग्रीन्स जैसे जो स्कीम है वो हम लोगों ने लॉन्च किए हुए हैं। एंड देन कम्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द प्रोडक्शन, ओके, तो ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन में टॉप 5 में आते हैं, एक्सपोर्ट में अभी तक हम लोग टॉप 50 में हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है ताकि अपने को पैसा भी मिले। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो भी स्कीम्स बनेंगी वो बनेंगी, सबको क्लियर एवरीवन कि स्कीम्स कैसे बनेंगी और किन चीज़ों के लिए बनेंगी। कम ऑन चैट बॉक्स में मुझे बताइए यस और नो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहली स्कीम के बारे में सीखते हैं, वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं कृषि उन्नति योजना। आपको याद होगा मैंने आपको सबसे पहला जो गवर्नमेंट स्कीम्स का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ स्कीम जो है वो कोर स्कीम्स हैं और कुछ जो है वो कोर ऑफ द कोर है। क्या लगता है आपको, ग्रीन रिवॉल्यूशन कोर में है या कोर ऑफ द कोर में है? यस, अरे भाई कोई नहीं बता रहा है, आंसर इज कोर स्कीम में आता है, कोर ऑफ द कोर में नहीं आता है, कोर स्कीम में आता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन स्कीम खुद ही एक अम्ब्रेला स्कीम है, और अम्ब्रेला स्कीम का मतलब है कि इसके अंदर में आपको मल्टीपल स्कीम्स जो है वो मिलेंगे, मल्टीपल स्कीम्स जो आपको मिलेंगे। कितने स्कीम्स है सर, ये देखो ये रहे सारे, जूम करो सर थोड़ा, ये लो भाई जूम कर देते हैं आपके लिए, ये देखो, एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इंक्लूडिंग नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ठीक है वो है, और ये भी रिसेंटली अभी इसी महीने में न्यूज़ में था, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, बिकॉज इसके लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रफली 10,000 करोड़ रुपए जो है वो डाले हैं कि 4 साल के अंदर अंदर अपने को और ज़्यादा ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो करना है। देन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, मैंने आपको बताया मैकेनाइजेशन की प्रॉब्लम है अपनी। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर कैसा हो, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो। और क्या है, और है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो अपने पास में डेटा भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ई गवर्नेंस का प्लान, देन सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन,
then submission on seeds and planting material, submission on agricultural extension, or again mission for integrated development of horticulture, because horticulture भी तो उसी का part है, agriculture का ही part है. तो ऐसे जो है वो अपने को you know green revolution या कृषि उन्नति योजना के अंडर में ये सब schemes जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी. तो याद रखो green revolution बहुत बड़ी scheme है, उसके अंदर में multiple sub schemes है. उसमें as I said MIDH अभी हम लोग देखेंगे भी कि aim क्या है. obviously हॉर्टिकल्चर सेक्टर की ग्रोथ करना. और हॉर्टिकल्चर सेक्टर का क्या मतलब होता है दोस्तों, कोई चैट बॉक्स में बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. हॉर्टिकल्चर सेक्टर का क्या मतलब होता है? मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, ये सब क्या है? ये आपका हॉर्टिकल्चर होगा. ओके, याद रखिएगा. देन आप सबको ये पता होना चाहिए, ओके, आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो है एक और चीज़ में काफ़ी पीछे हैं. हम लोग ऑयल बहुत खाते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल खाने वाली कंट्री हम ही हैं. हमको चाहिए गर्मा गर्म समोसे, हमको चाहिए गर्मा गर्म जलेबी, ठीक है, धारा ऑयल में. लेकिन इंडिया जो है वो ऑयल जितना खाता है उतना प्रोड्यूस नहीं करता है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं फिर? तो इंडोनेशिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं या फिर मलेशिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं और भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जो है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? ऑयल इंपोर्ट करते हैं. हम लोग ऑयल लिटरली इंपोर्ट करते हैं और अपना 50% ऑयल आज भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं. तो हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ राइस, वीट, पल्सेस इन्हीं में ना हो, बल्कि वेजिटेबल ऑयल्स में भी हो. एंड इनफैक्ट अभी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अगर देखिए किसी तरीके से अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और बाकी रीजन में हम लोग अगर ऑयल का प्रोडक्शन अगर कर पाए और अगर सेल्फ सफिशियंसी अगर हम लोग ऑयल में लेकर के आए, मतलब ऑयल की और इंडिया की जैसे दुश्मनी ही हो. जो पेट्रोल और डीजल का जो ऑयल लगता है वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो अपने को एनी हाउ इम्पोर्ट करना ही पड़ता है. और अब खाने का ऑयल भी अपने को इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो ये वाली बात है. देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होना चाहिए. सस्टेनेबल मतलब क्या? कि आप अपनी नीड्स पूरी कीजिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना एग्रो इकोलॉजी के हिसाब से वो इसमें आएगा. एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट आपके GS3 के सिलेबस में दिया हुआ है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज. मतलब सीधी सी बात है, देखिए एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वगैरह होते रहता है. वो रिसर्च अगर आप लोग फार्मर तक नहीं पहुँचाओ तो उस रिसर्च का कोई मतलब बनता है क्या? आंसर इज नो. तो आप एक्सटेंड करो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैब टू फार्म. लैब टू फार्म ये एक मस्त कीवर्ड है, आप लोग आंसर राइटिंग के समय यूज़ कर सकते हो. कि एम्स टू स्ट्रेंथन द ऑनगोइंग एक्सटेंशन मैकेनिज्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज अचीविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. एंड देन देर इज ऑल्सो सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल. तो ये चलो इस पर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी सर्टिफाइड सीड्स आप लोग देखिए, सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है वो आप लोग इंक्रीज़ कीजिए. मतलब क्या है? अच्छे सीड्स यूज़ करने चाहिए हमने. सीड जो है वो कुछ टाइम के बाद में उनकी जो उपजाऊता जो है वो कम होते जाती है, इसलिए फिर अच्छे सीड्स रखने चाहिए. एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, तो देखो ह्यूमन लेबर जब हम डालते हैं, जो घंटा 100 घंटे, जो काम हम 100 घंटे में करते हैं, वो काम सारा का सारा आपका ट्रैक्टर जो है वो 1 घंटे में आपको करके दे देगा. तो जितना ज़्यादा हो सके मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट करो, वही है आपका मैकेनाइजेशन. प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन, ठीक है, तो पेस्ट से, डिसीज से, वीड से, निमेटोड से वगैरह वगैरह, इन सब से अपने को जो है वो प्रोटेक्ट करना, तो वो है आपका यू नो क्वारंटीन वाला सिस्टम. और सेंसस मतलब अपने को पता होना चाहिए कौन सी हम लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं, क्या रिसर्च चल रहा है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. देन एक सेकेंड, देन कम्स इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन. कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बुरी है और
अगर कोऑपरेटिव्स के मदद से अगर हम लोग दे सकते हैं तो और बढ़िया, और रीजनल जो इम्बैलेंस है वो आप लोग और कवर कीजिए। देन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की मार्केटिंग कीजिए, और ई गवर्नेंस का प्रोग्राम जो है वो एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की अगर हेल्प लेकर के अगर हम लोग कुछ कर पाएँ तो और बेहतर और बढ़िया। तो ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन की कृषि उन्नति योजना, जिसके अंदर में 11 सब स्कीम्स हैं। सर याद करनी है क्या? याद अभी सारी की सारी नहीं करो, इनमें से कौन कौन सी आपको याद होनी चाहिए, एक दो ओके, उसके बाद में मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर लो, ठीक है, उसके बाद में ये प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन खास करके चल सकता है ओके, और उसके बाद में ये अपना आजकल कोऑपरेशन का और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, बस इतने स्कीम्स पर थोड़ा ध्यान दो, बाकी स्कीम्स मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैकेनाइजेशन वगैरह वो आप लोग खुद ही बता सकते हो कि इसके अंदर में क्या कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे खास करके वेस्ट में तो आ गया, लेकिन हमको ईस्टर्न इंडिया में भी लेकर के जाना है ओके। मतलब क्या मतलब समझो, ये अगर हम इंडिया बना रहे हैं तो इंडिया के ये वाला जो रीजन है, वेस्ट वाला जो रीजन है, खास करके पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस तरफ में तो आपको काफ़ी हरियाली दिखेगी और इस तरफ के किसान अमीर भी हो गए हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है हमारे ईस्टर्न फार्मर्स की, तो ईस्टर्न फार्मर्स इतने अमीर नहीं हुए, जबकि लैंड सेम है आपके पास में, इवन उपजाऊ शक्ति सेम है, इवन यू नो वाटर तुम्हारा सेम है, फिर भी ग्रीन रिवॉल्यूशन वेस्ट में हो गया लेकिन ईस्ट में नहीं हुआ। तो अब हम क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट कि नाउ वी वॉन्ट टू ब्रिंग दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया नाउ। सो स्कीम का नाम ही है Bringing Green Revolution to Eastern India, ठीक है, बहुत पुरानी स्कीम्स है कि ऑब्जेक्टिव अपने को नाम से ही पता चल जाता है, मतलब अगर यू नो कुछ चीज़ें काफ़ी लॉजिकल है, जैसे इसमें आपको नाम पता भी नहीं होना चाहिए, तो इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस एंड वीट बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कल्टिवेशन इन राइस इन द फैलो एरिया ऑल्सो करो, फैलो मतलब जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई बुआई उगाई नहीं करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ ओके, और प्रमोट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग सपोर्ट ऑल्सो, तो ये सब होगा। और इसको खास करके हम कौन से एरियाज़ में लेकर के जाएंगे, तो 2011 में हमने इसको लॉन्च किया हुआ है, राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम ईस्टर्न इंडिया में, आसाम बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा ईस्टर्न यूपी एंड ऑल्सो वेस्ट बंगाल, तो इन सब में लेकर के जाएंगे। ब्लॉक और क्लस्टर डेवलपमेंट होगी, एसेट बिल्डिंग होगा, साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होगी, सीड प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मार्केटिंग सपोर्ट भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो गाइज अगर आपको क्लियर हुआ है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, तो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिए ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने को स्कीम पता होनी चाहिए वो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। मतलब क्या मतलब है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ठीक है, एकीकृत बागवानी विकास, तो ये अपना जो है वो मेजर काम है इसमें। एक सेकेंड, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ऑब्वियसली हम लोग जो खास करके जो अपने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, सर कौन से क्रॉप्स, सर हॉर्टिकल्चर में हम लोग कौन से सेक्टर को पकड़ सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स मशरूम्स स्पाइसेस फ्लावर्स एरोमेटिक प्लांट्स कोकोनट कैश्यू कोका एंड बैम्बू, ये सब किस में आते हैं, ये सब अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। बैम्बू मिशन अपने पास में अलग है, लेकिन ये सब अपने इसके अंदर में आते हैं, सबको क्लियर ओके। तो 2014 में ये जब मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, इसमें इन्होंने मल्टीपल जो स्कीम्स थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीम थी, तो 5 ऑनगोइंग स्कीम जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में
यू नो जो हॉर्टिकल्चर पे जो काम कर रहा था तो उसको उधर से ये सारी स्कीम्स इन्होंने मर्ज कर दी। कौन कौन सी थी? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, इन सबको मर्ज करके तुमने क्या बना दिया? एक ही चीज़ बनाई जिसको हम कहते हैं MIDH, दैट इज़ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके, अब इसी MIDH के अंदर में एक और प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, जो कि महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर के साथ में मिलकर लॉन्च किया था, वो है प्रोजेक्ट चमन। ठीक है, ये 2015 में लॉन्च किया था, तो थोड़ा ज़्यादा कम ही पूछेंगे इस पर, मतलब बहुत कम चांसेस है इस पर क्वेश्चन पूछने के, बट हम लोग सारे स्कीम्स कवर कर रहे हैं तो अपने को एक आइडिया भी होनी चाहिए कि चमन क्या है। तो चमन कुछ नहीं है, बेसिकली अपने को यू नो कहाँ पर कौन सी क्रॉप लगी हुई है ये अपने को सैटेलाइट बेस्ड डेटा से बेसिकली पता करना है। हेलो राम कुमार, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसरो के साथ में मिल करके महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर ओके क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट करेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिक एस्टिमेशन हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का हम लोग कर सकते हैं क्या वगैरह वगैरह। यही बस प्रोजेक्ट चमन है। ओके, तो 7 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, 12 मेजर स्टेट और 180 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में कवर किए हैं, और एम यही है कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी फॉर एस्टिमेशन ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन अंडर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स फॉर यू नो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर एंड इंक्रीज इन द फार्मर्स इनकम। तो ये है अपना प्रोजेक्ट चमन। ठीक है, ये है अपना प्रोजेक्ट चमन। आई होप सबको ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके गुड, बाकी इसमें ज़्यादा अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। सर ये वाला क्वेश्चन अगर कभी आए तो मेंस में आएगा कि हम लोग कैसे जो है वो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं। एक फसल नाम का सिस्टम है, चमन नाम का सिस्टम है, किसान नाम का सिस्टम है, NADMS। एक मिनट, हाँ हेलो हेलो ठीक है, आई एम सॉरी आई हैड टू टेक अप दैट कॉल, एनी वेज अभी ठीक हो गया सब। सो ये सब आप बता सकते हो कि भाई हम लोग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ करके एग्रीकल्चर में हम लोग ये सब चेंजेज जो वो लेकर के आ रहे हैं। आई होप सबको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। देन आते हैं, एक मिशन लॉन्च किया गया था, उसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है? तो देखो अपने कंट्री में इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, अब तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग 133 करोड़ के स्ट्रांग पॉपुलेशन हम लोग बन चुके हैं। तो सबको सही समय पर भोजन मिले, सबको सही समय पर खाना मिले, ये अपना एक एम होना चाहिए। तो हमने 2007-2008 में ये वाली स्कीम लॉन्च की थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है वो राइस प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, पल्सेस प्रोडक्शन, कोर सीरियल, कमर्शियल क्रॉप, ये सब जो है हम लोग बढ़ा दें और सॉइल फर्टिलिटी भी हम लोग करें। क्योंकि देखो 133 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है, खाना खिलाना है तो फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि भाई हम लोग यू नो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कॉटन, जूट, शुगर केन, इवन कमर्शियल क्रॉप भी हम लोग कर रहे हैं। तो राइस, वीट, पल्सेस तो हम लोग कर ही रहे हैं, या कोर्स सीरियल हम लोग कर रहे हैं, इवन कमर्शियल क्रॉप हम लोग कर रहे हैं, और इसमें इनफैक्ट फंडिंग भी मिलती है, तो 50-50 फंडिंग वगैरह जो मिलती है। अब देखो ये नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, तो एक बेसिक एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से अपने को पता होना चाहिए कि ऑयल अपने को किन किन चीज़ों से मिलता है, ओके, और कितने टाइप के ऑयल अपने पास में है, तो वो सब अपने को एक बेसिक पता होना चाहिए, और उसके अलावा ये मिशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो इसमें ये तो वैसे भी न्यूज़ में चलते ही रहता है, न्यूज़ में कैसे चलता है,
अभी मैंने आपको बताया कि रिसेंटली 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गया था अभी इसी महीने में। तो नेशनल मिशन, और वो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पाम, ऑयल पाम पे ही किया हुआ है अभी। तो आपको क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई पहले तो ये बताइए कि ऑयल सीड जो है वो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। तो एक जो है आप लोग जो है ऑयल सीड कहाँ से ले सकते हो, ऐसे जो अपने पास में सनफ्लावर हो गया, ओके, या फिर अपने पास में से यू नो दाल हो गई, सिंगदाना हो गया जिसको मूंगफली हम लोग कहते हैं, या फिर मस्टर्ड हो गया, वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो एक क्या है मिशन, तो मिशन टारगेट जो है उसमें सबसे पहला है कि ये ऑयल सीड से ही ऑयल हम लोग जो है वो निकाले। दूसरा क्या है, दूसरा है पाम ऑयल। तो पाम का जो पेड़ होता है उधर से हम लोग ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आए। तो पहले इस मिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मतलब ऑयल सीड से हम लोग ऑयल चाहते हैं, दूसरा हम लोग जो पाम होता है तो उसमें से हम लोग ऑयल निकालना चाहते हैं, और तीसरा जो है वो ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स भी हम लोग चाहते हैं। ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स क्या होते हैं, अभी के अभी सब लोग चैट बॉक्स में नोट कीजिए इनको, ओके। और तब तक मैं एक छोटा सा लू ब्रेक भी लेकर के आता हूँ, और आप इसका नाम जो है वो चैट बॉक्स में ज़रूर उतारिएगा। ये सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, सब लोग इनके नाम लिखिए जल्दी से। चलो भाई लिखा सबने, ट्रीबॉर्न ऑयल कौन से अपने, ट्रीबॉर्न ऑयल जो है वो अपने हैं महुआ, जेट्रोफा, करंज, नीम, या फिर साल। साल को हम शोरिया रॉबस्टा कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये अपने ट्रीबॉर्न ऑयल है। तो एक एग्रीकल्चर के बेसिक्स में से आपको इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो पूछा जा सकता है। तो टारगेट बस यही है कि हम लोग जो है वो इम्पोर्ट बिल जो है एडिबल ऑयल का वो हम लोग कम करें। तो अचीव द प्रोडक्शन ऑफ 35 मिलियन टन्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ रफली यू नो 1328 केजी पर हेक्टर ऑफ ऑयल सीड, ये अपने को करना है मिशन वन में। मिशन टू में ऑयल पाम जो है तो रफली 1.25 लाख हेक्टर। सर डेटा याद रखें क्या, नहीं बस सिर्फ बता रहा हूँ। एनहांस सीड कलेक्शन ऑफ यू नो TBOs रफली 15 लाख टन का अगर हो सके तो, और वेस्टलैंड को यू नो हम लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। अब जो है तो एज आई सेड कि इंडियाज इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड ग्रोवर एज वेल एज इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, और इकोनॉमी भी अपनी काफ़ी लार्ज है, मतलब USA, चाइना और ब्राज़ील के बाद में हम लोग सबसे ज़्यादा उगाते हैं, और एकदम डाइवर्स अपनी कंडीशंस है जिसमें हम लोग 9 एनुअल ऑयल सीड क्रॉप जो है हम लोग देखते हैं। अब ये कौन कौन से हैं सर, तो 7 एडिबल है और 2 नॉन एडिबल है। 7 एडिबल कौन से हैं, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, रेप सीड
उसके बाद में मस्टर्ड, मतलब जिसको हम लोग राई कहते हैं, राई। तो उसके बाद में सोयाबीन है, उसके बाद सनफ्लावर है, सीसमम। तो सीसमम क्या है या सीसम क्या है? सीसम मतलब तिल, ओके। फिर सैफ्लावर है और नाइजर सीड्स हैं। तो ये सब आपके एडिबल, आप खा सकते हो ऐसे हैं। और कुछ होते हैं नॉन एडिबल ऑयल, जिसमें हम लोग कैस्टर ऑयल बोलते हैं, लिनसिड बोलते हैं। तो ये कैस्टर ऑयल हम लोग खा नहीं सकते हैं, तो नॉन एडिबल ऑयल हो गए, ओके। एंड देन 72% ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो रेनफेड एरिया में है। अभी भी रेनफेड एरिया मतलब क्या है कि जहाँ पर जो एरिया डिपेंडेंट है बारिश पर, जो एरिया मेजरली डिपेंडेंट है जो मॉनसून की जो बारिश हो रही है उस पर। एंड सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज एडिबल ऑयल नीड मेट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और ऑयल पाम की तो हम बात करें तो हाईएस्ट वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग पेरेनियल क्रॉप है, बट उसके बावजूद भी हम लोग जो है वो अपने यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग पर्टिकुलरली ऑयल पाम को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब देखो, कभी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ट्री बेस्ड ऑयल जो है वो कहाँ कहाँ से अपने को मिलता है। तो याद रखिएगा, साल, इसमें से आपने ऑलरेडी ये महुआ, जेट्रोफा, करंज एंड नीम, इनके नाम तो आपने लिख लिए हैं, लेकिन उसके अलावा याद रखिएगा कोकम है, ऑलिव है, ओके, जोजोबा है, चेउरा है, वाइल्ड एप्रिकॉट है, वॉलनट है, टुंग है। तो ये कुछ और नाम है जो बेसिकली अपने को पता होने चाहिए कि इन सब से अपने को ऑयल जो है वो मिलता है, ओके। तो गाइज, आई होप आपको नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स उसके बेसिक्स के साथ में एज वेल एज आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है। यस, ठीक है। देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कब लॉन्च किया सर? ये 2014-2015 में। किसके अंडर में सर? नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो देखो, क्लाइमेट चेंज अपना हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज अपना हो रहा है, और वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो ये अपनी जवाबदारी बनती है, ये अपनी जवाबदारी बनती है कि हम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले, हम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले। तो एक्शन लेने के लिए कोई प्रोग्राम है क्या? यस, एक्शन लेने के लिए जो प्रोग्राम है उसका नाम है NAPCC। तो इनफैक्ट ये देखिए, NAPCC के 8 कंपोनेंट्स आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने याद करने की ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है कि बचपन में हम लोग एक पेंटिंग बनाते थे जिसमें हम लोग ऐसे पहाड़, पहाड़ के बाद में सूर्य, सूर्य के बाद में ऐसे बादल, पंछी, ठीक है, फिर इधर से आती हुई एक नदी, नदी के बाद में घर, ओके, और घर में ऐसे आप लाइट लगाते हो, देन फार्म जो है वो आप लोग जो है वो ऐसे लगाते हो, फिर इधर में आप एक कुआ वगैरह उगाते हो, कुआ लगाते हो, ओके, घर के पास में लगाते हो, एंड देन पेड़ होते हैं अपने। तो उसके बेसिस पर मैंने कहा कि भाई नेशनल सोलर मिशन मतलब ये सन हो गया, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ये आपकी लाइट हो गई, सस्टेनेबल हैबिटेट मतलब ये घर हो गया, नेशनल वाटर मिशन मतलब ये आपका पानी हो गया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया मतलब ये आपके पेड़ हो गए, हिमालयन इकोसिस्टम मतलब ये आपका पहाड़ हो गया, क्लाइमेट चेंज का नॉलेज मतलब ये आपके क्लाउड हो गए, और ऑब्वियसली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब ये आपका खेत हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो है इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, इन NAPCC के अंदर में कौन कौन से 8 जो है वो कंपोनेंट है। अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका नाम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? तो आप जो है वो सस्टेनेबली एग्रीकल्चर करो। और मुझे एक बात बताइए, आज इंडिया में सबसे ज़्यादा अनसस्टेनेबल चीज़ कौन सी है? आज इंडिया में अनसस्टेनेबल सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी है एग्रीकल्चर के मामले में? अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा अनसस्टेनेबल, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है, कम ऑन गाइस, चैट बॉक्स में यस, फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स की वजह से प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? यस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सॉइल में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए देखो, ये NAPCC का पार्ट है। तो अब मैं अगर इसके डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगी? NAPCC के 8 पार्ट जो है वो ऐसे हैं, और उसमें से एक पार्ट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में
हम लोगों ने अगेन यू नो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं जिनमें से क्या क्या है, एक है नेशनल बैम्बू मिशन है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, ओके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग नेटवर्किंग सिस्टम है, सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री है, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है, ओके तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो अपने बेसिकली नेशनल मिशन और फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर के पार्ट है। तो इसमें तो एग्रोफॉरेस्ट्री करना, एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब सिंपल सी बात है कि आप फार्मिंग भी करो और यू नो पेड़ भी लगाओ, वो भी हो गया। लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑब्वियसली है कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में जो चीज़ अपने को चाहिए वो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर में क्या मिलेगा आपको, दो चीज़ें मिलेंगी, एक है सॉइल हेल्थ कार्ड और दूसरी मिलेगी आपको परंपरागत कृषि योजना, ओके एक है सॉइल हेल्थ कार्ड और दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये दो चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ओके तो लोकेशन स्पेसिफिक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस इंप्रूव करो, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करो, वाटर एफिशिएंसी बढ़ाओ, जुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल करो, ताकि हम लोग सस्टेनेबल मैनर में एग्रीकल्चर को हम लोग आगे बढ़ा सके। तो इसलिए हम लोगों ने ये सारा का सारा सिस्टम जो है बनाया हुआ है, ओके तब इसमें से सर अगर रेन फेड एरिया डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बता देते तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपने कंट्री में आज भी यू नो 55% एरिया जो है वो रेन फेड है। मतलब क्या सर, मतलब देखो 45% ही एरिया इरिगेटेड है और जो इरिगेटेड एरिया है वो भी 70% उसका इरिगेशन कहाँ से होता है, यस आंसर इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों को इरिगेट करते हैं, कैनाल का और बाकी सब चीज़ों का तो बहुत ही कम है। मतलब कैन आई से मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन द रेन, रेन फेड मतलब कि रेन ने फीड किया है उसको, यस कैन वी से सो कि मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो अपना रेन फेड है। और उसके वजह से जब तुम्हारे पास में पानी की कमी होती है तो फिर वो पानी की कमी की वजह से अगेन अपने हज़ारों जो है वो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो एक काम क्यों नहीं करते, जो एरिया रेन फेड है उधर का आप वाटर कंजर्व क्यों नहीं करते हो? तो इसलिए रेन फेड एरिया का वाटर कंजर्व करने के लिए हम लोग जो स्कीम लेके आए हैं उसका नाम है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। उसमें क्या करते हैं सर हम लोग, तो देखो अब एक मेथड क्या होगा कि आप ऐसे पॉन्ड बना दो। अब ये पॉन्ड आप ऐसे बना तो दोगे, ठीक है ये हिल के यहाँ से सारा का सारा जो पानी आएगा वो आप यहाँ पे ले लोगे, लेकिन तुमको पता है कि ये नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाएगा और फिर ग्राउंड वाटर से वापस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा एक काम कर सकते हैं कि भाई ऐसे हम ताड़पत्री बोलते हैं इसको, हम प्लास्टिक की ताड़पत्री, वैसे कुछ ताड़पत्री वगैरह हम लोग बिछा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वाटर नीचे नहीं जाएगा, वाटर सिप इन नहीं करेगा, और सिप इन नहीं करेगा तो ऐसे हम लोग वाटर को ले करके रख सकते हैं और उसके बाद में इस वाटर को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो एक मेथड ये है कि भाई टेम्पररी यहीं से आपको यूज़ करना है, इसके लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ समझो आप नीचे जो है वो कुछ करो ही मत, मतलब ताड़पत्री बिछाओ मत, और जब इसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो ये आपको ऐसा दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया बेस्ड अप्रोच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं वाटरशेड प्लस फ्रेमवर्क हम लोग करते हैं कि एम जी नरेगा की एक्टिविटीज़ को, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, ओके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को, सबको मिला करके हम लोग क्या करेंगे ऐसे रेन फॉर रेन फेड एरिया डेवलपमेंट हम लोग जो है वो करेंगे। सबको क्लियर एवरीवन, एकदम सिंपल है, नथिंग मच टू टीच हियर। ओके अब चलिए चलते हैं हम लोग सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर, क्योंकि हम लोग अभी तक NAPCC के अंडर का हम लोग क्या सीख रहे थे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और उसके अंदर का हमने ये रेनफेड एरिया डेवलपमेंट देख लिया। अब हम चलते हैं ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर, और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में दो चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, एक होगा आपका सॉइल हेल्थ कार्ड और दूसरा होगा आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या है या सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में क्या है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में एज आई सेड कि सॉइल हेल्थ कार्ड और परंपरागत कृषि विकास योजना होगी, और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। तो उसके अंदर में सॉइल हेल्थ कार्ड के सॉइल हेल्थ कार्ड के जो है मतलब स्वस्थ धरा खेत हरा
ये उसकी टैगलाइन है और उसके अंदर में हम लोग ये सॉइल हेल्थ जो है वो मैनेज करेंगे। तो इसमें आप लोग अपना यू नो बहुत सारे डिटेल दोगे, जैसे कि आधार कार्ड, ये वो। तो ये देखो मैं आपको एक सॉइल हेल्थ कार्ड का एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, इससे आपको समझ में आएगा कि देखो हम लोग क्या करते हैं। बिकॉज अंधाधुंध हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं किसको, अंधाधुंध हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स को, अपने को कम करना है तो क्या करें। तो देखो ऐसे सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग देते हैं जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड नंबर है, नेम ऑफ फार्मर है, वैलिडिटी कब से कब तक है, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड में फार्मर्स के सारे डिटेल है कि भाई कौन से गांव का है, क्या पिन कोड है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सॉइल सैंपल जो आपके यहाँ से लिया गया था उसके बारे में देखते हैं कि भाई कौन सा है, कौन सा नंबर है, फार्म साइज़ कितनी है, GPS के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड बताओ वगैरह वगैरह। एंड देन सॉइल के टेस्ट रिजल्ट आपको बताना है। सॉइल के टेस्ट रिजल्ट में आप क्या बताओगे, भाई pH कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयन, मैग्नीशियम एंड कॉपर, ये अवेलेबल कितना है तुमको। ओके उसके बाद में फिर आप लोग अगेन यू नो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पे और आपको कुछ रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई रिकमेंडेशन फॉर सॉइल एप्लीकेशन, सल्फर में कुछ डालें क्या, सल्फर और डालें क्या, जिंक कुछ डालें क्या, बोरॉन कुछ डालें क्या, आयन, मैंगनीज, कॉपर इनमें से कुछ डालें क्या, या ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह कुछ दे क्या, तो ऐसा। एंड देन आपको इसमें यू नो इवन आपको बताते हैं कि भाई आप कैसे कैसे फर्टिलाइज़र कौन कौन सा यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पैडी के लिए आप लोग रेफरेंस यील्ड कि भाई आपको इतना इतना मिलेगा। अगर आप लोग NPK का कॉम्बिनेशन मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का कॉम्बिनेशन इस रेशो में यूज़ करो और आपका कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन नंबर वन इतना रखो, कॉम्बिनेशन नंबर टू इतना रखो। वैसे हर एक क्रॉप के बारे में आप लोग जो है इनको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से यू नो एरिया में रहते हो। तो सबको समझा, तो याद रखो वंस इन अ 3 ईयर अब अपने को सॉइल हेल्थ कार्ड लेना पड़ता है। पहले वो 2 साल था बट अब उसको कम कर दिया है कि मतलब ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब आप 3 साल में एक बार ले सकते हो। इसमें जो मैंने आपको बताया वही सब डिटेल्स आपको मिलते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ सॉइल, फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करें, क्रॉप की सूटेबिलिटी जो है। ओके फिर उसके बाद में द कार्ड विल बी अकंपनीड बाय एडवाइजरी ऑन द करेक्टिव मेजर्स ऑल्सो कि तुमने क्या मेजर्स लेने चाहिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको ऐसे असिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऐसे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज वगैरह लगाइए। ओके तो ये सब चीज़ें और 75-25 के रेशियो में हम लोग देते भी हैं। सर स्कीम की नीड क्या थी, नीड तो सिंपल सी है भाई, नीड क्या है इसकी, नीड ये है कि हम लोग अगर देखें अपने कंट्री में तो ऑलमोस्ट सॉइल जो है इतनी डिग्रेड हो गई है ड्यू टू माइंडलेस यूज़ ऑफ केमिकल्स। ओके उसके अलावा लो यूसेज जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का हम लोग कर रहे हैं। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन फर्टिलाइज़र जो है वो माइंडलेसली हमने यूज़ किए हैं और रेशो जो आपका होना चाहिए वो है 4:2:1 और देखो रेशो हम लोग यूज़ कौन सा कर रहे हैं 20:5:1, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का यहाँ पे गलती से एक एंटर आ गया है। तो वो रेशो होना चाहिए आपका 4:2:1 का, वो आपका 20:5:1 हो गया है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो गलत ही बात है फिर, तो इसलिए फिर हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लेकर के आए हैं। बाय द वे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरॉन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड जिंक, ये सब आपके आते हैं। ठीक है एवरीवन, सबको समझ रहा है। देन कम्स परंपरागत कृषि विकास योजना। अब ये क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो ये प्रोग्राम है उसके ही अंदर का एक और प्रोग्राम है, मतलब सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर में एक प्रोग्राम था कि भाई आप लोग जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड ले लो और दूसरा जो प्रोग्राम है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना ले लो। परंपरागत कृषि विकास योजना मतलब बेसिकली याद रखना ऑर्गेनिक फार्मिंग,
और भले ही ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के आउटपुट का बहुत इंडियन लोगों पर सवार नहीं हो, लेकिन वेस्टर्नर्स के ऊपर में पूरा इसका बहुत सवार है और उनको बहुत चाहिए होती है परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब उनको तो बहुत उनका फेवरेट ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या है, एम क्या है, अगेन टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लेना है अपने को कि भाई आप लोग ज़्यादा ज़्यादा जगह पे क्लस्टर के बेसिस पर आप लोग जो है ये सब ऑर्गेनाइज करो, एंड ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स इन द ग्रुप ऑफ 50 और मोर एंड हैविंग द होल्डिंग ऑफ 50 एकर टू मेक अप द ऑर्गेनिक फार्मिंग। 3 साल में अपने को 5 लाख एकड़ तक ज़मीन जो है वो इसके अंदर में लेकर के आनी है, 10,000 से ज़्यादा अपने को क्लस्टर्स डेवलप करने हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है। बिकॉज देखो जब भी आप सिस्टम से स्विच करते हो, जब भी आप लोग सिस्टम से स्विच करते हो तो आपका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। फॉर एग्जांपल अब तक तुम एनपीके फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे थे तो तुम्हारी एकदम यील्ड जो है वो अच्छी खासी आ रही थी, लेकिन अब यील्ड तुम्हारी कम हो जाएगी, तो यील्ड कम हो जाएगी तो तुमको असिस्टेंस भी तो चाहिए ना, और अगर असिस्टेंस नहीं दोगे तो लोग परंपरागत कृषि विकास पे नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए फिर एवरी फार्मर विल बी प्रोवाइडेड 20,000 per acre इन 3 years, मतलब रफली आपको कितना साल का मिल रहा है, 6,500 के करीब में आपको मिल रहा है कि 6,500 रुपये जो है हर एक एकड़ के पीछे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, इतना आपको मिलेगा कि भाई हार्वेस्ट में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कम होता है ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए हम तुमको देते हैं, ओके। और दूसरी बात जो है वो आपको एक्सपेंडिचर का सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ करना नहीं पड़ेगा, खास करके इसको हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और UPSC ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्या लगता है आपको कौन सा स्टेट जो है उसको हम लोग एज अ ऑर्गेनिक स्टेट प्रमोट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? ऑलरेडी मतलब वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक ही है ऐसा ही हम लोग कहते हैं, सिक्किम। और कौन सा यूनियन टेरिटरी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि उसको हम लोग 100% ऑर्गेनिक ही वहाँ पर चीज़ें होंगी, ये भी बता दीजिए, न्यूज़ में चल रहा है देखो। यूनियन टेरिटरी बोल रहा हूँ मैं, यूनियन टेरिटरी, आंसर इज लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, यस लक्षद्वीप का है उसका आंसर। एनीवेज अब ये तो हो गया सर, ठीक है, हमको समझ गया कि परंपरागत कृषि विकास योजना में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, बट आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो वो ऑर्गेनिक है या नहीं ये आपको समझेगा कैसे? आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो वो ऑर्गेनिक है या नहीं है ये आपको समझेगा कैसे? तो उसके लिए यू नो अब से मैंडेटरी लेबलिंग जो है वो करना कर दिया गया है कि जैविक भारत का लोगो आपको लगाना पड़ेगा ऐसा कि भाई ये जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या ऑर्गेनिक इंडिया, ऐसा अपने को बोलना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर विल बी पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑल्सो, और इस पर UPSC वैसे एक हल्का सा क्वेश्चन पूछ चुकी है NPOP प्रोग्राम पर, मैं आप लोगों को NPOP एज वेल एज PGS इंडिया की जो स्कीम है वो आपको एक बार क्लियरिफाई कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आई थिंक मोटा मोटी आज के लेक्चर का सारा जो है वो अपना जो टारगेट है वो पूरा हो गया है, और फिर बची हुई जो एग्रीकल्चर की स्कीम्स है वो कल हम लोग आएंगे एकदम जोश जोश में हम लोग सीख लेंगे। तो आई नो कल गणपति फेस्टिवल है, बट गणपति फेस्टिवल में भी अपने को कोई छुट्टी नहीं है, अपने को लाइव आना ही है। तो जैविक भारत की हम बात कर रहे थे कि अप्रूवल अथॉरिटी दो है, एक है NPOP और दूसरा है PGS। तो ये NPOP क्या होता है, ओके NPOP क्या होता है, तो सिंपल है, देखो समझ के लो, NPOP जो है वो यू नो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में यू नो थर्ड पार्टी द्वारा प्रूव किया गया प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या, मतलब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने कुछ सर्टिफिकेशन सेंटर्स जो है कि भाई तुम सर्टिफाइड हो क्या, तुमको चेक करते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट में कहीं पर भी कोई भी मिलावट तो नहीं है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र तो यूज़ नहीं हुए हैं, तो उसका सर्टिफिकेशन होता है। तो वो सर्टिफिकेशन लिटरली इन लोग जा करके यू नो इन सर्टिफिकेशन सेंटर पर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होगा और उसके बाद में ये जब अप्रूवल देगा तो फिर इसको बाद में आगे जो है वो बेचा जाएगा। तो ऐसे
NPOP सिस्टम के अंदर में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। बट याद रखिए, खास करके तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है इसमें, लेकिन सिंस इसमें थर्ड पार्टी एकदम अच्छे से होती है, इसलिए फिर USFDA इसको अप्रूव करता है, स्विट्ज़रलैंड अप्रूव करता है। तो जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते समय में खास करके उन लोग पहले NPOP सर्टिफिकेट देखते हैं कि भाई नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंडर में तुमको सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला। और ऐसा ही अपने पास में एक और सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं PGS इंडिया स्कीम। और PGS इंडिया का क्या मतलब होता है? PGS इंडिया का मतलब होता है कि भाई पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि समझो यू नो 5 फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं अपने ही एरिया में, और ये लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, इन्होंने अपना ग्रुप भी बना लिया कि भाई हम लोग ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। तो इन लोग ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से सर्टिफिकेशन की पावर लेते हैं कि भाई हम सर्टिफाई करेंगे। अब इसमें समझो इसके बाजू का ही छठवा भी किसान जो है वो अगर क्या करता है, करना चाहता है, वो भी अगर ये सर्टिफिकेशन लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अगेन इनसे ही बात करेगा। ओके, वो इनसे बात करेगा। तो ये लोग फिर इसको पार्टिसिपेट करके इसको यू नो गारंटी देते हैं कि हाँ भाई तेरा जो है वो एकदम ऑर्गेनिक फूड है। तो बेसिकली इसमें किसानों का ही पार्टिसिपेशन, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, दैट इज़ PGS इंडिया। सबको क्लियर PGS इंडिया और NPOP में क्या फ़र्क है? तो इसमें याद रखिएगा कि ये थोड़े से कम कंट्रीज़ ने ही इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है। 2015 में ही लॉन्च किया था इसको, रिसेंटली लॉन्च किया था, और ये 2001 से लॉन्च्ड है, जो यू नो क्या कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी से वेरीफाई होता है। और इसमें खुद फार्मर्स ही, तो जो रीजनल आपके काउंसिल वगैरह बने हुए हैं और उन लोग खुद ही इसमें बेसिकली प्रमोट करते हैं। तो आज लगभग 7,000 से भी ज़्यादा अपने पास में से फार्मर्स के ग्रुप जो है वो बने हैं। तो ये वाली बात है बस मेजरली। तो आई होप सब लोगों को यू नो ये सब सिंप्लीफाई हो गया है, और US में ये सब रिकग्नाइज नहीं है तो फिर ये ज़्यादा काम भी नहीं आता अपने को। तो सबको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई कि PGS इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2015 में लॉन्च की है, और नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने 2001 में लॉन्च किया हुआ है। एवरीबडी यस, ठीक है, एक दो तीन स्कीम्स और देख लेते हैं। ओके, तो मतलब ये जो अपना हमने ये वाला जो टारगेट उठाया था, एटलीस्ट ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एटलीस्ट इसके हम स्कीम्स ख़त्म कर दें। तो इसका RAD हो गया है, बैम्बू मिशन बचा है वो देख लेते हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के सॉइल हेल्थ कार्ड एज वेल एज परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया, अब सब मिशन ऑन यू नो ये एग्रो फॉरेस्ट्री देख लेते हैं, और बैम्बू मिशन बचा है वो देख लेते हैं। तो ये दो स्कीम देख करके आज के लिए फिर हम लोग रुक जाएंगे। तो सबसे पहले जो स्कीम अपने को देखनी है वो है ऑब्वियसली नेशनल मिशन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। कि एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या है? कि आप ऐसे पेड़ भी उगाएं, इन पेड़ों पे आप लोग फल भी ले पाओगे, और नीचे जो है वो आप लोग फार्मिंग भी करो, और ऐसी फार्मिंग करो जहाँ से आप लोग क्रॉप ले सको। तो हर मेद पर पेड़, मेद मतलब क्या होता है, पगडंडी होती है, वो वाला स्कीम जो 2016-17 में लॉन्च किया था, अलॉन्ग विद द क्रॉप्स क्रॉपिंग सिस्टम लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कि भाई ये फेल हो गया तो एटलीस्ट वो वाला फेल नहीं हो, और ऐसे हम लोग जो वो एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। ओके, तो सिंपल है एग्रो फॉरेस्ट्री, तो बहुत ही सिंपल है कि आप एग्रीकल्चर भी करो और फॉरेस्ट्री भी करो, तो दोनों एक साथ में करो, ये है। देन कम्स क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मॉनिटरिंग मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग। बिकॉज देखो क्या है, अपने को पता होना चाहिए ना, तो रिसर्च जो है साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट से लैंड तक आएगी या फार्मर तक आएगी, और उधर से अगेन वापस से इधर जाएगी, तो बाई डायरेक्शनल हम लोग रिसर्च चाहते हैं। तो ये देखिए कि लैंड टू फार्मर और रिसर्च फैसिलिटीज से यहाँ पर बाई डायरेक्शनल रिसर्च हो, एक दूसरे को हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें, वही है आपका क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देन कम्स नेशनल बैम्बू मिशन। तो बैम्बू मिशन इम्पॉर्टेंट है भाई। बैम्बू मिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके, क्योंकि एक मतलब बैम्बू घास है या ट्री है, क्या होता है अभी? हाँ, बैम्बू जो है या बैम्बू जो है वो घास होता है, ट्री होता है, क्या होता है?
इट्स अ ग्रास. ओके, पहले ये जो है इसको हमने ट्री में क्लासिफाई किया हुआ था, और ट्री में क्या है कि भाई फॉरेस्ट जो एक्ट है अपना, तो उसके अंदर में ट्री को कट करना मना ही है, और अगर आप कट करते हो तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट ऑफिशियल से. भी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने क्या किया, बैम्बू को जो है वो ट्री के लिस्ट में से हटा दिया. अब उसको बोलता कि भाई घास है, ग्रास है. तो अब आप लोग अपने प्राइवेट लैंड पर कितना भी बाम्बू उगाइए, कितना भी बाम्बू सेल कीजिए, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको जितना करना है आप लोग कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है. तो 2006-07 में बैम्बू को प्रमोट करने के लिए ये वाली स्कीम लॉन्च की थी, और बाद में अभी रीस्ट्रक्चर्ड मिशन जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा. ओके, तो अप्रूव्ड इन 2018-19 अप टू 2020, और लेकिन इसको अगेन वापस नेशनल बैम्बू मिशन 2.0 नाम से आप लोग लॉन्च कर देते हो. तो होलिस्टिक ग्रोथ फॉर बैम्बू सेक्टर, एरिया बेस्ड, रीजनली डिफ्रेंशिएटेड, इंक्रीज इन द एरिया, नॉन फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट लैंड पे है, आप लोग ग्रो कीजिए. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कीजिए आप लोग, कि इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स वगैरह बनाओ. प्रमोट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो, कि मार्केट में डिमांड क्या है. जैसे मैं खुद बैम्बू सॉक्स पहनता हूँ आजकल, कि बैम्बू के मटेरियल से बने हुए जो सॉक्स हैं वो. ओके, फिर प्रमोट द स्किल डेवलपमेंट जो है वो आप लोग कीजिए. अगेन रिजुविनेट कीजिए बैम्बू इंडस्ट्री को, और टारगेट है कि भाई अच्छा खासा एरिया जो है हम लोग इसके अंदर में कवर करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें कवर हो जाए, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर आप लोग जो है वो ध्यान दोगे. मार्केट लिंकेज कीजिए, मतलब बैम्बू के जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनको अगर पॉसिबल हो तो आप लोग सेल करवाइए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग जो पतले बैम्बू होते हैं, मोटे बैम्बू होते हैं, तो उनसे उन लोग यू नो मार्केट लिंकेज वगैरह करते हैं. तो बैम्बू मंडी, बाजार, रूरल हाट वगैरह करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, मॉनिटरिंग करो. ओके, और वैल्यू चेन अप्रोच अगर कर सको तो और बेटर है, बिकॉज देखो बैम्बू के सॉक्स ऑब्वियसली ज़्यादा महंगे बिकेंगे रैदर देन खुद बैम्बू. ओके, और इसमें मुझे आपको एक बैम्बू के बारे में और बताना है. आप लोग करंट अफेयर्स में सर्च कीजिएगा इसको, भीमा बैम्बू क्या है, भीमा बैम्बू क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिंस बैम्बू जो है वो काफ़ी फास्ट ग्रोइंग स्टॉक होता है, तो उसका फ़ायदा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करने का काम जो है वो बैम्बू कर सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करने का काम कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम कर सकता है. तो करंट अफेयर्स में भीमा बैम्बू जो है वो थोड़ा सा सीख लीजिएगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद वाली जो है वो बात होगी बेसिकली. अब आई थिंक हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, मतलब मोस्टली अपने सारे काम जो है वो हो गए हैं, तो विल स्टॉप हियर. और कल हम लोग जो है वो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे, और आगे के जो जो चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करेंगे. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक द सेशन. अगर आपको पसंद आया है तो थम्सअप ज़रूर दीजिएगा इस सेशन को, और दूसरी बात जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है. एंड देन यू नो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स अभी और पास में आते जा रही है. कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर हो सके तो एक आध अगर स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आ जाए, खास करके अभी 30 दिन बच रहे हैं तो सैटरडे संडे को वगैरह कुछ आ जाए तो देखिएगा. तो सोचते हैं उस पर भी कुछ सोचते हैं, अगर हमें संडे को अगर टाइम रहा तो उस पर मेरे अन अकेडमी के स्पेशल क्लास पर हम लोग जो है एक आधा स्पेशल क्लास बना देंगे. ठीक है, तो कमेंट में आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ऐसा कुछ चाहिए क्या आपको. ठीक है, एंड यस दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय. और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लस डोंट फॉरगेट टू बी ऑसम. ओके, बाय बाय. चलिए, बाय.